हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भारद्वाज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। देखिए दोस्तों, आज एक हमारे सब्सक्राइबर हैं डियर, वो फ्रॉम राजस्थान के हैं, तो उनके डिमांड पे हमने ये इन्वर्टर बनाया हुआ है और ये इन्वर्टर उन्होंने परचेज़ भी कर लिया है। इसका जो पेमेंट है उन्होंने मुझको लगभग हफ्ते भर पहले उन्होंने मेरे को पेमेंट कर दिया था, पर कुछ कारणवश मैं इसको रेडी नहीं कर पाया क्योंकि काम ज़्यादा होने की वजह से। इसीलिए तो मैंने उनका जो इन्वर्टर है वो कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कैबिनेट हमारे अब कई सब्सक्राइबर ले चुके हैं दोस्तों, और ये कैबिनेट बहुत ही बढ़िया लुक में लगती है दोस्तों। ये यहाँ पर आपको LED का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, और यहाँ पर आप डिस्प्ले भी लगा सकते हो दोस्तों। जो डिस्प्ले वाली हमारी जो PCB आती है 850 12 वोल्ट की, तो वहाँ पर आप लगा सकते हो दोस्तों। एक दोस्तों हम इन्वर्टर बनाएंगे जहाँ पर हम आपको डिस्प्ले लगा के दिखाएंगे, वो डिस्प्ले वाला इन्वर्टर हम बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देख लीजिए इसमें हमने क्या क्या पार्ट यूज किए हैं। देखिए दोस्तों, 4 नंबर 3 इंच का ये ट्रांसफार्मर है हमारा, ये प्योर कॉपर में दोस्तों, उनकी डिमांड थी कि कॉपर में ही उनको चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों देखिए, ये UPS इन्वर्टर एंड UPS सेलेक्शन के लिए और हाई और लो चार्जिंग के लिए दोस्तों। और ये आउटपुट साकेट दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए MOV भी लगा रखी, जिससे मैं इन्वर्टर में हाई वोल्टेज इन होंगे तो हमारा जो है MOV शॉर्ट हो जाएगा, और जिससे हमारा सर्किट सेफ रहेगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो हमने सर्किट यूज किया है, इससे पहले आपने पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, ये सर्किट आपको किसी भी यूट्यूबर ने और इन्वर्टर टेक्नीशियन ने आपको ना तो यूज करके दिखाया होगा और ना तो इसके बारे में रिव्यू दिखाया होगा, पर हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और दोस्तों ये जो सर्किट है ये साक्षी कंपनी का है, ये देखिए दोस्तों ये सर्किट। और दोस्तों ये सर्किट इन्वर्टर एंड UPS दोनों में आप वर्क कर सकते हो दोस्तों। और इसकी जो कैपेसिटी है दोस्तों वो 850 भी है 12 वोल्ट का दोस्तों सर्किट है ये, और इसमें कई सारे दोस्तों फीचर मिल जाते हैं जो आपको किसी भी इन्वर्टर किट में नहीं मिलेंगे दोस्तों। इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये सेफ मोड दिया हुआ है दोस्तों, सेफ मोड अगर हम ओपन करेंगे तो अगर ये जो हमारा अगर कभी बाई चांस ये जो हमारे SCR अगर शॉर्ट हो जाते हैं तो ये सर्किट में हमारा हाई एम्पियर नहीं लेगा और सर्किट को सेफ रखेगा दोस्तों। ये कई बार क्या होता है SCR वगैरह शॉर्ट होने से चार्जिंग डायरेक्ट हो जाती है और हमारे डायोड वगैरह जल जाते हैं, तो दोस्तों इसमें वो कंडीशन नहीं है, इसमें आपको सेफ मोड में रहेगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 जैक दिए हुए, J1 J2 एंड J3, यहाँ पर ये बैटरी के वोल्टेज सिलेक्शन के लिए हैं दोस्तों। तो जिस तरह दोस्तों में इसमें एक शॉर्ट वाला आता है पिन वगैरह, अगर इसको आप शॉर्ट कर दोगे तो ये दोस्तों इसमें लगभग ये आपको 8 कंडीशन में दोस्तों ये काम करता है। ये आपको 13.8 वोल्ट से लेकर 17.0 वोल्ट तक आप इसको जो चार्जिंग कट है उसको आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों हम वैसे जो हमारी उनकी बैटरी है वो लगभग अभी छोटी है, लगभग 50 से 80 एम्पेयर की है, तो हम इसको 13.8 वोल्ट पे ही सेट करेंगे दोस्तों। तो सभी बैटरी में जो परफेक्ट चार्जिंग कट होता है वो 13.8 ही होता है दोस्तों, तो हम इसको 13.8 पे ही करेंगे दोस्तों। तो इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे, तीनों हम जैक को ओपन रखेंगे तो हमारा 13.8 वोल्ट पे कट हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम ये 13.8 वोल्ट वाले पे अगर हम शॉर्ट पिन चढ़ा देते हैं तो ये हमारे 14.2 वोल्ट पे ये कट होगा दोस्तों, पर ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं हमें, तो हम इसको 13.8 वोल्ट पे ही कट करेंगे दोस्तों। बाकी दोस्तों इसमें प्रीसेट के बारे में अगर हम आपको बताएं तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पे चार्जिंग एम्पियर का मिल जाता है, तो आप चार्जिंग एम्पियर को अपने बैटरी के हिसाब से चार्जिंग एडजस्ट कर सकते हो। ओवरलोड दोस्तों आप सेट कर सकते हो, और आप आउटपुट दोस्तों सेट कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों पूरी माइक कंट्रोल सर्किट है, देखिए यहाँ पर ये 28 पिन की माइक कंट्रोल IC लगी हुई है दोस्तों ये, और इसमें यहाँ पर फैन का जैक दिया हुआ है, तो हमने फैन का जैक भी कर रखा है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ अगर कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पिन का कनेक्टर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों इसके कनेक्शन बहुत ही ईजी हैं दोस्तों, और जैसे हमारी कॉइन किट में होता है दोस्तों, तो सेम वैसे किट में इसमें भी होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको बैटरी पॉजिटिव देना पड़ता है, यहाँ पे जैसे हमने येलो में दे रखा है, उसके बाद दोस्तों रेड वाला है दोस्तों, ये हमारा मेंस का है दोस्तों ये, और उसके बाद दोस्तों ग्रीन वाला हमने दे, ये हमारे आउटपुट सॉकेट पे जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा है इन्वर्टर, ये जो हमारे इन्वर्टर से जो 260 वोल्ट वाली टैपिंग गलती है उसका लूप है। उसके बाद दोस्तों आपने अभी हमारे 2 पॉइंट मैंने खाली देख रहे होंगे, ये हमारा कैपेसिटर का है दोस्तों। हम यहाँ पे 2 MFD से लेकर 3 MFD 440 वोल्ट का कोई भी कैपेसिटर हम पे लगा देंगे दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों उसके बाद दोस्तों जो हमारा है वो चार्जिंग का है और न्यूट्रल का है दोस्तों। ये दोस्तों कनेक्शन के बहुत ही सिंपल होते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपसे हम एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप साक्षी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं
वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्रोमाइज होते हैं और बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट है दोस्तों, क्वालिटी कंपोनेंट होता है और मेड इन इंडिया दोस्तों कंपनी है, तो मेड इन इंडिया के हिसाब से आपको अभी ये यूज करनी चाहिए दोस्तों। इसके जो भी फीचर हैं बारे में हम आपको सब बताएंगे। अगर आप हम सर्किट लेते हो तो इसके पार्ट वगैरह जो भी आपको नीड होगी दोस्तों और आवश्यकता होगी वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। वैसे तो मार्केट में दोस्तों ज़्यादातर इसे सर्किट ख़राब हो जाता है तो भाजन के माइक्रोकंट्रोल फैल जाता है तो सर्किट को फेंकना पड़ता है, पर दोस्तों हमारे पास ऐसा नहीं है। आप ये सर्किट लोगे अगर इसका माइक्रोकंट्रोल फेल हो जाता है तो हम आपका दूसरा माइक्रोकंट्रोल प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। बाकी साक्षी के दोस्तों हमारे पास आपको इन्वर्टर पीसीबीज और स्टेपलाइजर पीसीबीज, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों प्रोडक्ट है साक्षी के, सभी हमारे पास अवेलेबल हैं दोस्तों, हमने वीडियो भी बनाए हुए दोस्तों। और दोस्तों एक गुड न्यूज़ है, साक्षी कंपनी के दोस्तों एक साइन वे किट भी आने वाली है मार्केट में, तो अभी कुछ टाइम के बाद उसका प्रोसेस चल रहा है, जैसी आएगी दोस्तों हम आपको दिखाएंगे। वो किट आपको मार्केट में अभी कहीं नहीं मिलेगी, ना तो किसी कंपनी ने उसको बनाई होगी। और दोस्तों साक्षी कंपनी की मैं बात बताता हूँ, साक्षी कंपनी की कॉपी किट अभी तक किसी कंपनी ने नहीं बनाई है और ना ही साक्षी ने किसी कंपनी की कॉपी किट बनाई है। साक्षी कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है और मैन्युफैक्चरिंग है वो उनकी खुद की अपनी है और उनकी खुद की डिजाइनिंग है दोस्तों ये, तो बाकी ये इस किसी से भी कॉपी नहीं करती है दोस्तों, इसलिए मैं इसके बारे में। और दोस्तों देखिए यहाँ पे कंपनी ने ओके टेस्टेक का लोगो लगा रखा है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए 1/2022 दोस्तों, अभी दोस्तों दूसरा महीना चल रहा है और ये जनवरी की दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग किट है दोस्तों, बिल्कुल ताज़ा माल है एक तरीके से दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल। और देखिए दोस्तों अब मैं इसका जो है मैं आप सबसे पहले मैं इसका आपको आउटपुट वोल्टेज चेक कराऊंगा और आउटपुट वोल्टेज एडजस्ट करके दोस्तों दिखाऊंगा मैं। देखिए दोस्तों हमने इसकी आउटपुट पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया है और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये इसका जो है ये आउटपुट प्रीसेट है दोस्तों ये, तो हम इसको प्रीसेट को एडजस्ट करेंगे दोस्तों। तो आप देखिए दोस्तों एक बार हम अपने स्विच को ऑन कर लेते हैं, एक तो स्विच अपने ऑन कर लिया है और भी अभी लगभग हमें 150 वोल्ट आउटपुट कर रहा है दोस्तों, तो हम इसके जो आउटपुट वोल्टेज है वो सेट करेंगे। देखिए दोस्तों कम हो रही है और इधर को करेंगे हम दोस्तों ये, तो देखिए हमारे आउटपुट वोल्टेज, देखिए दोस्तों हमने आउटपुट वोल्टेज 280 कर दिए, तो इस हिसाब से इन्वर्टर में हमिंग बढ़ गई दोस्तों ये, तो हम इसको आउटपुट वोल्टेज को लगभग 250 लेके 260 पे हिसाब सेट करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों ठीक है हमने इसको इस पर सेट कर दिया है और अब हम इसको ऑफ करके देखते हैं दोस्तों, ऑफ किया ऑन किया, देखिए हमारा दोस्तों इसमें हमिंग नॉइज बहुत ही कम है दोस्तों, क्योंकि हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से वार्निश करके और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने टाइट कर रखा है इसमें, तो दोस्तों अगर इसमें पत्ती वगैरह कम होती है और इसको लूजिंग रहती है तो इसमें गैप वगैरह होता है दोस्तों, हमिंग बढ़ जाती है, पर हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से वार्निश किया हुआ है तो इसमें हमिंग नॉइज बहुत ही कम है दोस्तों। तो एक बार हम इसका जो मीटर निकाल लेते हैं और हम इस पर जो है आउटपुट लोड डाल के हम आपको चेक कराते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारा इस बोर्ड का प्लग है, तो हम इसमें जो है वो इन करते हैं, देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों हमने अपने 200 वाट के बल्ब को ऑन किया है दोस्तों, 200 वाट के बल्ब को ऑन करते हैं, देखिए अभी हमारा फैन ऑफ हो गया, अभी ऑन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमने 200 वाट का बल्ब ऑन कर दिया है, उसके बाद 100 वाट का दोस्तों हमने ऑन कर दिया है, ये भी हमने ऑन कर दिया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ओवरलोड दिखाने लगा है, पर अभी इसके ओवरलोड ये सेटिंग सही नहीं है, तो हम इसको ओवरलोड के जो लोड है उसको हम इसको इनेबल करेंगे दोस्तों, तो हम इस प्रीसेट को इस प्रकार घुमा देंगे। अब हम इसके जो है वैसे उसी प्रकार कंटिन्यू ऑन करेंगे, तो 100 वाट 100 वाट 400 वाट 500 वाट, देखिए दोस्तों 500 वाट का लोड हमारा कंटिन्यू है दोस्तों ये, तो और हम लगभग इस पर जो है वो लगभग 200 वाट का वाला लोड हम उस पर और डाल के चेक करेंगे दोस्तों ये। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार, उसके बाद इसका और लोड है वो सेट करेंगे दोस्तों, देखिए 200 वाट 100 वाट 300 वाट 400 वाट और 500 वाट दोस्तों, देखिए 500 वाला लोड दोस्तों हमारा कंटिन्यू हो गया इन्वर्टर पर ये इस प्रकार,
अब दोस्तों इसमें हम जो है लगभग 700 वाट का लोड डालेंगे, तो 200 वाट का लोड हम एक्स्ट्रा करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इन्वर्टर को अपने एक बार मैं सारी स्विच बंद कर देता हूँ फिर से। देखिए हमने इसको ऑन कर दिया है, 100 वाट का बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है, और अब हम अपने 200 वाट का बल्ब हमने ऑन कर दिया, 100 वाट का ऑन कर दिया, ये 100 वाट का ऑन कर दिया। देखिए दोस्तों, 2, 3, 4 और 500 वाट का लोड कंटिन्यू हो गया दोस्तों। और दोस्तों ये देखिए, अभी हमारे पास एक ड्रिल मशीन है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये लगभग 300 वाट की है, आप देख सकते हो दोस्तों। तो हमने इसको भी ऑन कर दिया दोस्तों। देखिए हमारा जो लोड है लगभग 3, 2, 5, 3, 800 हमारा लोड कंटिन्यू हो गया दोस्तों ये। और इसको चलाना, देखिए दोस्तों लोड हमारा कंटिन्यू चल गया। और दोस्तों देखिए, अभी एक हमारा 100 वाट का बल्ब हमारा जो है वो बंद है, 800 वाट का दोस्तों लोड कंटिन्यू चल रहा है। अगर हम अपना 900 वाट का लोड डालते हैं तो ये और लोड शो करने लगेगा। देखिए दोस्तों, हम अपने स्विच को ऑन कर रहे हैं हम इसको, और देखिए अभी हमारा और लोड शो करने लगेगा दोस्तों। देखिए ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों ये ओवर लोड हमारा लोड शो करने लगा है दोस्तों। और ये लगभग 5 टाइम के पास फिर से जो है ये ऑन हो जाएगा दोस्तों। देखिए 5 टाइम हो गया, अभी दोस्तों दिखा रहा है कि हमारा लोड है ये लगभग पूरा है ये, तो इसीलिए ये देखिए अभी ओवर लोड में ही रहेगा दोस्तों। तो अभी हमारा लोड पूरा 900 वाट का है, अभी देखिए ओवर लोड है, तो अभी 900 वाट में ये लोड नहीं लेगा है दोस्तों। देखिए ये चलो दोस्तों, देखिए अब दोस्तों अगर हम क्या 800 वाट पे हमने इनको सेट किया है, तो अब इसका हम 100 वाट वाला बल्ब देखिए दोस्तों बंद कर देंगे। तो अब दोस्तों ये देखिए अब कंटिन्यू बराबर चल रहा है दोस्तों। और अगर हम इसको दोबारा फिर से ये वाले बल्ब को ऑन कर देते हैं ये देखिए इस प्रकार, तो देखिए जो ओवरलोड शो करने लगा दोस्तों। दोस्तों ओवरलोड की सेटिंग आप लोगों को समझ में आ गई दोस्तों। देखिए 800 वाट का लोड हमने कंटिन्यू चला रखा है, 900 वाट का लोड देते हैं तो ओवरलोड दिखाने लगता है दोस्तों। देखिए ये अब हमने 100 वाट का बल्ब को बंद कर देंगे दोस्तों, तो 5 टाइम का फिर से ओपन हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये ओवरलोड दिखा रहा है, देखिए दोस्तों ये हमारा कंटिन्यू हो गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों 200 वाट, 300 वाट, 400 वाट, 500 वाट दोस्तों, 800 वाट का दोस्तों इसको लोड रेगुलर हो गया है ये, आप देख सकते हो दोस्तों। ये दोस्तों अब दोस्तों हम जो इसकी सेटिंग है आपको चार्जिंग सेटिंग दिखाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों हमने आपको आउटपुट वोल्टेज और ओवरलोड्स की सेटिंग हमने आपको दिखा दी दोस्तों। और आप जो है हम इसको आपको चार्जिंग का इसका फंक्शन दिखाएंगे दोस्तों, किस प्रकार वर्क करता है दोस्तों। आपने आउटपुट वोल्टेज भी सीख लिया है, कैसे एडजस्ट करेंगे सर्किट के साथ, ओवरलोड भी दोस्तों आपने सीख लिया है दोस्तों। और बाकी अब जो तीसरा फंक्शन है दोस्तों, हम इसका चार्जिंग का आपको चला के दिखाएंगे दोस्तों। दोस्तों अब हम आपको इसका चार्जिंग फंक्शन चेक कराएंगे। देखिए सबसे पहले हमने अपने स्विच को ऑन कर दिया है, देखिए हमारा 100 वाट का बल्ब जल रहा है दोस्तों ये देखिए। और हमने इसके जो एसी लीड है दोस्तों, हमने इसके साथ लगा दी प्लग के साथ, तो ये इसका स्विच है दोस्तों। ये दोस्तों अभी 200 वाट पे इतना एम पे ले रहा है ये, आप देख सकते हैं एक बार। और अब हम इसको अपने स्विच को ऑन कर दिया देखिए हमने, और देखिए अभी रिले कट की आवाज़ आएगी। ये देखिए दोस्तों, इसने मेन सेंस कर लिया है, और अभी देखिए इसकी चार्जिंग भी आएगी। अभी यहाँ पे एम्पियर भी कोई एम्पियर नहीं है दोस्तों ये। और दोस्तों देखिए जैसे चार्जिंग एम्पियर आएगी दोस्तों, देखिए एम्पियर बढ़ रहे हैं हमारे। देखिए दोस्तों फैन भी हमारा ऑन हो चुका है इन्वर्टर का, और देखिए हमारी चार्जिंग जो है ये ब्लिंक करने लगी है दोस्तों ये। तो दोस्तों अब जो इसका जो चार्जिंग एम्पियर है हम आपको एडजस्ट करके दिखाएंगे दोस्तों। दोस्तों ये चार्जिंग का इसका पीसेट है, आप देख सकते हो दोस्तों ये, तो हम आपको इसको चार्जिंग एडजस्ट करके दिखाएँगे। आप यहाँ पर देखिए पीसेट पर मीटर पर, देखिए दोस्तों हमने इसकी जो चार्जिंग है ये दोस्तों कम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों चार्जिंग कम होती दिख रही होगी आपको, ये देखिए दोस्तों इस प्रकार, ये देखिए चार्जिंग हम कम कर रहे हैं, चार्जिंग हमारी कम हो रही है। देखिए दोस्तों ये चार्जिंग हमारी काफ़ी कम हो गई है, और जो इसकी चार्जिंग है परफेक्ट दोस्तों, हम इसकी जहाँ चार्जिंग 15 एम्पीयर रखेंगे दोस्तों। अब हम चार्जिंग बढ़ा रहे हैं इसकी, ये देखिए
ये देखो दोस्तों हमने इसकी चार्जिंग लगा दी है और हमारे वोल्ट देखिए 13.2 करीब आ रहे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमने आपको चार्जिंग फंक्शन दिखा दिया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, और दोस्तों देखिए हमारी बैटरी लगभग फुल है। तो देखिए देखिए हमारा फैन बंद हो गया दोस्तों और बैटरी बोलते दोस्तों देखिए यहाँ पे 13.2 के करीब दोस्तों आ गए। ये देखिए, और जैसे 13.8 पहुँचेगा तो इसकी जो चार्जिंग है बिल्कुल बंद हो जाएगी दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार, और देखिए हमारी बैटरी में भी बबल आने लगे हैं दोस्तों, आपको शायद दिख रहा होगा। ये देखिए, ये देखिए हमारी बैटरी भी फुल है। तो देखिए इसी प्रकार बबल आ रहे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों जैसे देखिए दोस्तों चार्जिंग एम्पेयर अभी दिखा रहा है पर चार्जिंग कर नहीं रहा है क्योंकि बैटरी हमारी फुल हो चुकी है। तो देखिए चार्जिंग जो एलईडी है वो भी ब्लिंक करना बंद हो चुका है दोस्तों। दोस्तों अगर जब इसमें चार्जिंग फुल हो जाएगी तो चार्जिंग बत्ती जो है वो ब्लिंक करना बंद कर देगी दोस्तों, बिल्कुल स्टॉप हो गई दोस्तों ये। और अगर हम इसको दोबारा बंद करके चालू करते हैं तो देखिए ये फिर चार्जिंग करेगा, कुछ सेकंड बाद बंद हो जाएगा दोस्तों। देखिए हमने इसकी मेन्स ऑफ कर दी, इन्वर्टर पे चलने लगा दोस्तों। अब देखिए हम इसको दोबारा ऑन कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए हमने इसको ऑन कर दिया है। ये देखिए मेन्स पे हमारा आ गया है और दोस्तों देखिए अभी चार्जिंग लेगा ये चार्जिंग एम्पियर। ये देखिए दोस्तों है।